वेलकम थ्री में नाना पाटेकर और अनिल कपूर को रिप्लेस करने की बात लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में मजनू भाई और उदय शेट्टी के किरदार का ना होना फैंस को ये बात पचे नहीं रही है। अब वेलकम और वेलकम अगेन के डायरेक्टर अनीस वजवी ने भी मेकर के इस फैसले पर रिएक्ट किया है। बता दें कि इस बार फिल्म से कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। इनमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर का भी नाम शामिल है। वहीं वेलकम थ्री में इन्हें रिप्लेस करने की बात कई फैंस को पसंद नहीं आई। इस वजह से फिल्म अपने अनाउंसमेंट से ही विरोध झेल रही है। अब वेलकम अगेन के डायरेक्टर अनीस अजमी ने भी मेकर्स के इस फैसले पर रिएक्ट किया है। बता दें कि अनीस अजमी वेलकम थ्री का हिस्सा नहीं है। उन्होंने वेलकम और वेलकम अगेन का डायरेक्ट किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अनीस ने कहा कि वो वेलकम को नाना पाटेकर और अनिल कपूर के बिना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके किरदार फिल्म की जान है। अनीस ने कहा, मैं डायरेक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कास्टिंग पर कमेंट करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। फिल्म बनाने वाले ने अगर ये फैसला लिया है तो काफी सोच विचार कर ही लिया होगा। वही नाना पाटेकर और अनिल कपूर को रिप्लेस करने पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा होता तो मेरे लिए नाना पाटेकर और अनिल कपूर के बिना ये फिल्म बनाना संभव नहीं होता। दोनों ही आइकॉनिक किरदार रहे हैं, इनके बिना मैं तो इस फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकता। बता दें कि वेलकम थ्री का नाम वेलकम टू द जंगल रखा गया है। ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 में थिएटर में रिलीज की जाएगी। ऐसे मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।